बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर कैट ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम एनोटेशन टैब के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एनोटेशन टैब में सबसे पहले हमें यहाँ पर टेक्स्ट नज़र आ रहा है, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट, वर्टिकल टेक्स्ट अलोंग ए कर्व। तो हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट को सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट बार ओपन हुई है, इसके अंदर हमें यहाँ पर टेक्स्ट का फॉन्ट मिल रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट की हाइट जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें। इसके बाद अगर आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं, टैली करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, इसके बाद टेक्स्ट के अंदर मौजूद जो पिच है ये उसको कंट्रोल कर रहा है, और ये टेक्स्ट में मौजूद स्पेसिंग। इसके बाद अगर आप किसी एंगल के ऊपर टेक्स्ट को रखना चाहते हैं तो उसमें आप इसके एंगल को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ। पावर शेप के नाम से मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट के अंदर चेंज हो गया है। इसके बाद अब मैं वर्टिकल टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट वर्टिकली लिखा जा रहा है। यहाँ से आप इसकी हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ को आप इधर से कंट्रोल करेंगे। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट लोंगे कर्व, इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पर मैंने एक कर्व जो है वो प्लेस की हुई है। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ कर्व के ऊपर, और इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिखूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली उस कर्व के ऊपर एक पाथ बनाते हुए चलेगा। तो इस तरह आप किसी कर्व के लॉन्ग भी टेक्स्ट लिख सकते हैं पावर शेप के अंदर। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ लेबल्स हैं। इन लेबल्स का इस्तेमाल डिफरेंट जगह पे डिफरेंट है। जैसे वेल्डिंग सिंबल्स को हमने दिखाना हो, या किसी ड्राइंग के किसी सेक्शन को हमने दिखाना हो, तो उसके लिए हम इन लेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑटोमेटिक डायमेंशन है। आप इसको सेलेक्ट करके किसी भी की पॉइंट्स को सेलेक्ट करके उनकी आप वहाँ पर डायमेंशन आप दे सकते हैं। जैसे इसकी डायमेंशन यहाँ पर 76 है। मैं इसकी हाइट को यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 5 कर दूँ तो ये हमें बड़ा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी मैंने डायमेंशन, अगर आपने प्लेस करनी है तो इसको यहाँ पर क्लिक कर दें। अब इसके बाद मैं इसकी वर्टिकली लेंथ देखना चाहता हूँ, तो आप इस तरह इसकी वर्टिकल लेंथ भी देख सकते हैं। इसके बाद हम अगर यहाँ पर पैरेलल डायमेंशन देखना चाहते हैं, तो या इनके दरमियान एंगल देखना चाहते हैं, तो ये 90 का एंगल है। तो बहरहाल ऑटोमेटिक डायमेंशन से आप जहाँ तक डायमेंशन देख सकते हैं वो इजीली देखी जा सकती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर रेडियस है, कि सर्कल का रेडियस आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने एक सर्कल लगाया हुआ है, इसके एज के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका रेडियस हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 3 पॉइंट रेडियस है। आप इस रेडियस के 3 डिफरेंट पॉइंट सेलेक्ट करें तो ये ऑटोमेटिकली हमें उसका रेडियस यहाँ पर दे देगा। इसके बाद हमारे पास ये डायमीटर है, तो आप सर्कल के एज के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर हम इसका डायमीटर चेक करते हैं इजीली। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर बेस पॉइंट है। आप बेस पॉइंट के ऊपर मल्टीपल डायमेंशन देना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले इस पॉइंट को यहाँ तक सेलेक्ट करें, उसके बाद आप इस पॉइंट को ड्रैग करके यहाँ पे लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक डायमेंशन प्लेस हो गई। इसी तरह अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो ये बेस पॉइंट पे मल्टीपल डायमेंशन आप इजीली इस कमांड की मदद से लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है चेन। चेन में अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन देना चाहता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको प्लेस करने के बाद यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन देता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन देता हूँ, तो ये एक चेन बन रही है डायमेंशन की। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन देता हूँ, जो कि हमारे पास 35.36 है। इसके बाद मैं इसका इससे डिस्टेंस देना चाहता हूँ, जो कि 16.04 है, और इसके बाद मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह डायमेंशन की ग्रेडिंग भी की जा सकती है। तो इसमें इतना ही था। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एंगुलर डायमेंशन है। आप माइनर एंगल देखना चाहते हैं दो लाइंस के दरमियान, तो आप यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करें तो आप इजीली यहाँ से माइनर एंगल देख सकते हैं। इसके बाद आप इसका जो मेजर एंगल है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मेजर की बजाय माइनर की बजाय मेजर एंगल सेलेक्ट करें। पहली लाइन आपकी ये होगी, दूसरी लाइन आपकी ये होगी, तो ये हमें इसका जो मेजर एंगल है वो यहाँ पर दिखा देगा। तो इस तरह आप माइनर और मेजर एंगल
सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर पैरेलल डायमेंशंस है, इस लाइन की इस लाइन के साथ डायमेंशन कितनी है उसको देखने के लिए हम पैरेलल डायमेंशन को सेलेक्ट करते हैं। तो इस लाइन के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद इस लाइन के ऊपर क्लिक करें तो ये हमें उसकी पैरेलल डायमेंशन ईजिली बता देगा। तो इस तरह हम पैरेलल डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलल डायमेंशन। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने एक सॉलिड ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है, इसके यहाँ पर एक रेडियस है। इस रेडियस को चेक करने के लिए, तो इसके लिए मैं यहाँ से रेडियस जो है इसको सेलेक्ट करके भी मैं चेक कर सकता हूँ कि इसका रेडियस कितना है।